मॉलिक्यूलर में, आई मीन मॉलिक्यूल्स में, एक होता है डीएनए, आरएनए, फिर कार्बोहाइड्रेट, आपके सेल के अंदर ये सारी चीज़ें होती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन्स, देन फैट्स, बराबर। इनमें से सारी की सारी चीज़ें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती है, बस एक ही चीज़ होती है। कौन सी चीज़ है वो? डीएनए। जो डीएनए है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। आपने लास्ट चैप्टर, आई मीन इसके पहला वाला जो चैप्टर है उसमें आप स्टडी करोगे वेरिएशन और इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, डीएनए। क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? डीएनए। अब डीएनए जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये आज हमें पता है कि डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन कोई तो टाइम ऐसा होगा कि मतलब वो टाइम पे पता नहीं होगा कि डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, कि आरएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, कि प्रोटीन्स हो रहा है ना। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? आज हमें पता है कि डीएनए ट्रांसफ़र होता है, लेकिन कोई तो ऐसा दिन होगा ना कि जिस दिन उसका डिस्कवरी हुआ रहेगा, तो उसके पहले ये चीज़ अननोन थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पास हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर का फिर अलग अलग टर्म्स बनता गया, जीन है, डीएनए है, क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर यूनिट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, टाइम कंट्रीब्यूट किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, और बाद में प्रूफ किया कि हाँ डीएनए ही एक ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। मैं बहुत शॉर्टली इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उस चीज़ को प्रूफ किया। एक्सपेरिमेंट्स थोड़ा शॉर्टली करूँगा, बाकी सारी चीज़ें डिटेल में कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो हम करने वाले हैं वो है ग्रिफिड एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? बोला करो क्या है, बोलिए। ग्रिफिड एक्सपेरिमेंट, वापस बोलिए, कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ग्रिफिड ने डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उस चीज़ को प्रूफ किया है। ग्रिफिड ने क्या किया? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, उसको प्रूफ किया है। कैसे प्रूफ किया है? तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो बैक्टीरिया यूज किया गया वो था डिप्लोकोकस निमोनिया, जिससे क्या होता है? निमोनिया की बीमारी। निमोनिया सबको पता है ना, निमोनिया एक लंग डिसीज है, ठीक है। लंग्स के इन्फेक्शंस जो होते हैं ना, आई मीन लंग्स में जब पानी भर जाता है, लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई के अंदर पानी भर जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? निमोनिया। किस बैक्टीरिया से होता है? डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिप्लोकोकस निमोनिया के मैं दो डिफरेंट टाइप्स ले रहा हूँ, एक है एस टाइप और दूसरा है आर टाइप, ठीक है। कौन से दो टाइप है? पहला वाला क्या है? एस टाइप, दूसरा वाला क्या है? आर टाइप। एस टाइप जो है ये कैप्सुलेटेड है, देन स्मूथ है एंड वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब पैथोजेनिक। क्या होता है? पैथोजेनिक, उससे क्या होगा? डिसीज होगी। नॉन पैथोजेनिक जो रहेगा उससे क्या रहेगा? नॉन वायरुलेंट जो रहेगा उससे क्या होगा? उससे डिसीज नहीं होगी। इन्फेक्शन बैक्टीरिया बॉडी में गया लेकिन डिसीज नहीं हुई थी, उसको क्या बोलेंगे? नॉन वायरुलेंट। तो जो आर टाइप है ये नॉन कैप्सुलेटेड है, रफ है, ओके, एंड नॉन वायरुलेंट है, जिससे बीमारी नहीं होगी, ठीक है। निमोनिया जो डिसीज है, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ मैमल्स को ही इन्फेक्ट करता है। तो जो मैंने चूहे का एक्सपेरिमेंट लिया है, आई मीन इसको, ये जो सैंपल ऐसा यूज़ किया है, तो ये भी तो मैमल्स है ना,
पहले क्या होता था, कोई भी दवाई बनती थी, कोई भी वैक्सीन बनता तो सबसे पहले हम लोग बंदर पे, चूहे पे, इनके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। क्यों? अगर इन पे रिजल्ट अच्छा आया तो फिर उसके बाद में हम मैमल्स के, आई मीन ह्यूमन बींग की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्टली ह्यूमन बींग पे नहीं। अभी ये सब चीज़ें थोड़ी बैन हो गई कॉलेजेस में भी, प्रैक्टिकल्स के अंदर ये सारी चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, लाइक काट के उसके टेस्टिस निकालना, ओवरी निकालना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनालिसिस करना, तो उसमें क्या होता है, बेचारा वो तो अपनी जान से हाथ धो बैठता है ना, जस्ट खाली एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम उसकी जान ले लेते हैं। सो अभी वो फिलहाल बैन कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है इस एक्सपेरिमेंट में कितने चूहे लिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। पहला वाला जो है इसके अंदर हम डालेंगे एस टाइप, विच टाइप, एस टाइप क्या है, वायरुलेटेड है, तो क्या होएगा, मर जाएगा। नेक्स्ट वाले में डालता हूं मैं आर टाइप, आर टाइप क्या है, नॉन वायरुलेंट है, नॉन वायरुलेंट है तो मरेगा क्या, हाँ नहीं मरेगा, जीवित रहेगा। नेक्स्ट जो है मैं इसके अंदर डालूंगा एस टाइप हीटेड, उसको गर्म किया, हीट किया, हीट करने के बाद में डाला, तो हीट करने के बाद में वो जिंदा रहा, ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, जो लास्ट स्टेप है ना मेरा, दोनों को साथ में मिक्स किया, ठीक है, जिसमें से एस टाइप जो है, एस टाइप ये हीटेड है, गर्म किया हुआ, प्लस इसके अंदर मैंने क्या किया है, आर टाइप को मिक्स कर दिया, ठीक है। एस टाइप हीटेड से जिंदा है और एस टाइप हीटेड प्लस आर को मिक्स किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, डेड, मर गया, टेंशन में आ गया, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे कॉन्क्लूजन और इसके आगे एक और एक्सपेरिमेंट इसी को कंटिन्यू किया गया है। इसको शॉर्टली बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। सो एक्चुअली यहाँ पर आपका जो टाइप था आर टाइप है ना, आर टाइप का चेंजेस हो गया, आर टाइप का क्या हो गया, चेंज किस में, आर टाइप कन्वर्ट हो गया किस में, एस टाइप में, लिख देता हूं यहां पे चेंजेस आ गया है, चेंजेस, ठीक है। आर टाइप जो नॉन वायरुलेंट था वो कन्वर्ट हो गया है किस में, वायरुलेंट टाइप में, किस में कन्वर्ट हो गया है, वायरुलेंट टाइप में, और इस प्रोसेस को उन्होंने बोला है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला है, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कोई तो चीज ऐसी है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ तो ट्रांसफर कर रही है, मैं डीएनए वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, कुछ तो ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, बट क्या ट्रांसफर कर रही है, डीएनए, लेकिन अपने को पता नहीं है डीएनए कर रहा है कि प्रोटीन कर रहा है कि फैट्स कर रहा है कि विटामिन्स कर रहा है, नहीं पता, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ से, नॉन वायरुलेंट टाइप से वायरुलेंट बन रहा है, तो इनका जो जनरेशन आगे जा रहा है वो जनरेशन में कुछ तो ट्रांसफर हुआ है जिसके वजह से वो चूहा बेचारा मर गया। ये समझ में आया, इसी एक्सपेरिमेंट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपने ये समझ में आ गया कि एस टाइप जब मैंने डाला तो एस टाइप से वो डेड हो गया, आर टाइप से जिंदा है, एस टाइप को हीट करके डाला तो भी जिंदा है, बट उसके बाद में जब एस टाइप और आर टाइप दोनों को मिक्स किया, जो हीटेड वाला था और सादा वाला, तो यहाँ पे कुछ तो ट्रांसफर हो गया, एंड अगेन रिजल्टन आपको पहला वाला रिजल्ट और लास्ट वाला रिजल्ट दोनों भी सेम मिला, दोनों भी डेड हो गए, ठीक है। सो इसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया एवेरी मैक्लॉइड एंड एमसी कार्टी,
क्या नाम है, अवेरी मैक्लॉइड एंड एम सी कार्टी एक्सपेरिमेंट। कौन से साल में किया गया ये एक्सपेरिमेंट? 1944, ठीक है। क्या किया इसने? आर टाइप बैक्टीरिया लिया। अच्छा, मैंने बोला आर टाइप के साथ कोई तो चीज मिलके ट्रांसफर हो रही है, कौन सी चीज है पता नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, तो पहले वाले मैंने क्या ले लिया, मैंने बोला प्रोटीन भी हो सकता है, तो सेकेंड वाले मैंने क्या ले लिया, मैंने बोला शायद डीएनए भी हो सकता है ना, तो मैंने तीन चीज यहां पे ले लिया। तो जब मैंने आर टाइप को कार्बोहाइड्रेट से मिक्स किया, किसके, एस टाइप के, एस टाइप का कार्बोहाइड्रेट निकाला और आर वाले के साथ मिक्स किया, फिर मैंने देखा कि उसके नेक्स्ट जनरेशन में मुझे कहीं ना कहीं एस टाइप मिला क्या, तो मुझे नहीं मिला, क्या मिला, आर टाइप। फिर मैंने सेम एक्सपेरिमेंट किसके साथ में किया, प्रोटीन। फिर मैंने चेक किया कि अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन मुझे क्या मिला, आर टाइप सेम। फिर मैंने क्या किया, डीएनए के साथ में इसको मिक्स किया और अब यहां पे मुझे रिजल्ट पता चला कि आर टाइप किसमें कन्वर्ट हो गया है, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, किसके साथ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डीएनए। ठीक है, फिर आप सीटी टेस्ट करते हो ना कॉलेज में, आयंस के लिए, कैटायंस के लिए, एनायंस के लिए, कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो फिर उसने कन्फर्मेटरी टेस्ट किया, डीएनए बाय चांस मुझे मिला, ऐसा होता ना कभी, बाय चांस रिजल्ट आया कि सही में वही रिजल्ट है, तो उस कंफर्मेशन के लिए उसने क्या किया, डीएनए को मार, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए को मारने के लिए जो मुझे एंजाइम चाहिए वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। कौन सा एंजाइम है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिएज। तो न्यूक्लिएज क्या करेगा, डीएनए को फाड़ देगा, फाड़ देगा मतलब खत्म कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक कर दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या, तो मुझे यहाँ पे जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो आर टाइप चेंज होएगा क्या, तो रिजल्ट में मुझे क्या मिला, वापस आर टाइप। मतलब कंफर्म हो गया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ये ट्रांसफॉर्मेशन किसके वजह से हुआ, डीएनए के वजह से हुआ। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, कुछ साइंटिस्ट रहते ना, हम लोग आपस में रहते ना, किसी को 21 मार्क्स आया, किसी को 20 आया, तो 20 वाला क्या करता है, 21 की टांग खींचता है, मेरे से आगे कैसे आया तू, है ना, होता है क्या नहीं, आपस में जलन ठसन रहता है क्या नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मतलब जुगनू की तरह, जुगनू पता है ना, बिला वजह जलती रहती है, रहते क्या नहीं रहते, ऐसे भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा था, और एक्सपेरिमेंट को फिर आगे कंफर्म किया गया कि वाकई में ये जो हो रहा है ये डीएनए की वजह से ही हो रहा है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है उसको कंफर्म करने के लिए फिर एक नए साइंटिस्ट आए, चेस हर्शी एंड चेस।